खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं बड़ी खबर के साथ जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर है मालवीय नगर में आगजनी और लाठीचार्ज का मामला। आज पूरे दिन के प्रदर्शन के बाद बवाल थम गया है। मालवीय नगर थाना प्रभारी अरुण पूनिया, मालवीय नगर ACP महेंद्र शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। सुमन शर्मा की शिकायत पर मालवीय नगर थाने में FIR दर्ज हुई। ACP सांगानेर पूनम चंद बिश्नोई को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल सुमन शर्मा की शिकायत पर मालवीय नगर थाने में FIR दर्ज हुई और ACP सांगानेर पूनम चंद बिश्नोई को मामले की जांच सौंपी गई है। मेरे सहयोगी सत्यनारायण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, एक बार पूरी इस खबर को बताइए कि लाठीचार्ज और ये आगजनी की घटना का पूरा मामला क्या, और अब जो ये जांच सौंपी गई क्या माना जाए कि उसके बाद ही बवाल थम गया है? बिल्कुल विजेंद्र, बीती रात कुछ लोगों ने 3-4 थड़ी और दुकानों में आग लगाई थी। आग लगाने के बाद आज सुबह बीजेपी नेता सुमन शर्मा धरने में बैठ गई थी इस घटना के खिलाफ में। लेकिन उसी दौरान जब अर्चना शर्मा वहां आई अपने साथियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ, तो दोनों के बीच में हाथापाई हुई, जिसकी वजह से पुलिस को बीच में आना पड़ा। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, यानी कि लाठीचार्ज किया था, और इस घटना से काफी उत्तेजित थे बीजेपी के नेता। खुद सुमन शर्मा, विधायक कालचंद सर्राफ और जो पूर्व अध्यक्ष अशोक परिणामी, वो मुखिया पहुंचे थे और उन्होंने जो पुलिसकर्मी है, दोषी पुलिसकर्मी, उनको सस्पेंड करने की मांग की थी। लेकिन जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने इनकार कर दिया कि सस्पेंड हम नहीं करेंगे। उसके बाद में बवाल थमा है कि इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। एक तो जो ACP मालीनगर महेंद्र शर्मा और जो खुद थानाधिकारी है अरुण पुनिया, दोनों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने मारपीट की हमारे साथ। तो बवाल को थामने के लिए ये FIR दर्ज कर दी गई है मालीनगर थाने के अंदर, और ACP सांगानेर को इस पूरे मामले की जांच दी गई है कि वो जांच करेंगे और अगर दोषी पाए जाएंगे तो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सदरानी सोरन, ये भी बताइए जिन्होंने कल रात को आगजनी की, क्या उनको पकड़ लिया गया? देखिए अभी तक वो ट्रेस आउट नहीं हो पाए हैं। हालांकि जो पीड़ित दुकानदार है जिनकी दुकानों में आग लगाई थी, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थाने के अंदर, तो उसके हिसाब से पुलिस जांच करी कि आज किसने लगाई थी, किस प्रकार से आग लगी थी। हालांकि कुछ लोग बोल रहे की शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, लेकिन पुलिस मान रही किसी की शरारत थी, हो सकता है इसके अंदर किसी तीसरे भारी आदमी का हाथ हो। ऐसे में मामला दर्ज कर लिया गया है, तो उसकी भी जांच की जा रही है। दोनों मामलों की साथ साथ जांच की जाएगी। जहाँ आग लगाने का मामला है वो मालनगर थाना पुलिस जांच करेगी, और वही इन दोनों पुलिस अधिकारी के खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसकी करेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।